नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एजुकेशन में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इनवर्स फंक्शन होते क्या हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में हमने इसका इनवर्स का जो है हमने इंट्रोडक्शन करा था। तो देखो, हमारे पास इनवर्स फंक्शन होते हैं साइन कोस की फॉर्म में। तो आज हम देखेंगे उनका डोमेन एंड रेंज, कि किसी इनवर्स फंक्शन की क्या होती है डोमेन और क्या रहती है उसकी रेंज। तो डोमेन रेंज डिस्कस करने से पहले देखो, हम ये समझते हैं फंक्शन है क्या, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं फंक्शन को जो हम एक मशीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फंक्शन को? एक मशीन बोल सकते हो। देखो, मशीन में कुछ इनपुट जाता है ना, मशीन में कुछ इनपुट जाता है। तो जो इसमें इनपुट जाता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उसको? डोमेन। और जब मशीन से आउटपुट निकल के आएगा, यानी फंक्शन का जो रिजल्ट रहेगा उस आउटपुट को हम बोलेंगे क्या? रेंज। क्या बोलेंगे उसको? रेंज बोलेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज किसका? साइन इनवर्स एक्स का। तो पहले मैं बात करूंगा किसकी? साइन इनवर्स एक्स। देखो, साइन इनवर्स एक्स को हम पढ़ते कैसे थे? ऐसे पढ़ते थे क्या? वाई अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स है तो हम कैसे पढ़ते थे इसको? दैट वाई इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल फॉर विच वैल्यू ऑफ साइन इज एक्स, ऐसे ही पढ़ते थे ना। तो आपसे मैं एक बात पूछूं, क्या आप मेरे को रेंज बता सकते हो साइन एक्स की? तो मैं से बात दूं क्या, रेंज ऑफ साइन एक्स क्या होती है हमारी? -1 से 1। देखो, आप साइन एक्स में कुछ भी वैल्यू डालो एंगल की, वैल्यूज कहां से कहां लाई करती है साइन एक्स की? -1 से 1। तो जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज होती है वही हमारे इनवर्स फंक्शंस का क्या होता है? डोमेन। क्या होता है वही? हमारा इनवर्स फंक्शंस का डोमेन होता है। इस बात को समझते भी है कैसे, तो मैं बोल सकता हूं ऐसे, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा मेरा? -1 से 1। अब इसको समझना हमने ये बात कैसे कंक्लूड करी, देखो इसको पढ़ते हैं फिर से। y इज द एंगल फॉर विच वैल्यू ऑफ साइन इज x, तो x इनपुट है और x है किसकी वैल्यू? साइन x की वैल्यू है। तो साइन x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -1 से 1 लाई करती है। तो यानी x हमारा कहां से कहां लाई करेगा? -1 से 1। और इनपुट x ही तो है साइन इनवर्स x में, तो डोमेन क्या हो गया साइन इनवर्स x का? -1 से 1। ये वाली बात समझ आई। अच्छा, रेंज भी निकाल लेते हैं। तो देखो, रेंज कैसे निकालोगे आप? हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, पहले आप इस पे निकालो फंक्शन की वैल्यू, फिर आप इस पे निकालो। तो मैं से बोल सकता हूं y1 = sin−1। देखो, साइन इनवर्स जो है -1, हम ये आगे चल के देखेंगे कि अगर साइन इनवर्स में एंगल में -1 होता है तो माइनस कहां जाता है? बाहर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो -(sin−1)। अच्छा, साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है? π/2 पे होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -π/2। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? y1 की। ऐसे क्या निकाल लेंगे हम? y2 निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? 1 पे निकालेंगे। तो वो भी निकाल के देखते हैं। देखो, मैं से लिख लूं क्या, y2 = sin−1। अच्छा, साइन वन कब होता है? इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना, y2 इज द एंगल फॉर विच वैल्यू ऑफ साइन इज 1। तो साइन कब होता है 1 मेरे को बताओगे? π/2 पे। तो देखो, रेंज क्या है इसकी? -π/2 से π/2। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या आ गई आपकी? -π/2 से π/2। अब आप बोलोगे ये डोमेन और रेंज हमारे काम का आते हैं, तो आगे चल के हम क्वेश्चंस देखेंगे वहां पे हमारे ये डोमेन और रेंज काम आएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज और डोमेन समझ आया। अब हम बात करेंगे किसकी? कोस इनवर्स एक्स की। किसकी बात करेंगे? कोस इनवर्स एक्स। देखो, जब कोस इनवर्स एक्स की बात करेंगे, सेकेंड हम बात कर लेते हैं किसकी? कोस इनवर्स एक्स की। तो मैं आपसे पूछूं, रेंज ऑफ कोस एक्स क्या होती है? रेंज ऑफ कोस एक्स क्या होती है? ये होती है आपकी -π/2, -1 से 1। कोस एक्स की भी रेंज क्या होती है? -1 से 1।
तो देखो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन से वन। मैं से बात बोल दू क्या, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से वन। बात समझ आई है ना। अब देखो इसकी वो निकालते हैं, रेंज निकालते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे हम वाई वन निकाले पहले माइनस वन पे, तो वाई वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन। वाई वन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस वन। अच्छा कॉस माइनस वन कब लेता है, पाई पे लेता है वैल्यू। कॉस माइनस वन कब लेता है, पाई पे। और ऐसे हम वाई टू निकालेंगे, देखो वाई टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन। कॉस वन कब लेता है वैल्यू, जीरो पे लेता है ना। तो इसकी रेंज क्या आ गई हमारी, जीरो से पाई। ये वाली बात समझ आई आपको। देखो कॉस माइनस वन कब लेता है वैल्यू, पाई पे। और वन कब लेता है वैल्यू, जीरो पे। तो इसकी रेंज क्या आ गई हमारी, जीरो से पाई। ये वाली बात समझ आई। इसके बाद हम थर्ड फंक्शन जो है हमारा कौन सा, टेन इनवर्स एक्स, उसकी बात करेंगे। थर्ड कौन सा है हमारा, टेन इनवर्स एक्स। तो मैं से पूछ लू रेंज ऑफ टेन एक्स क्या होती है, रेंज ऑफ टेन एक्स क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। या वैसे भी बोलते थे कि रेंज क्या होती है इसकी, आर, रियल नंबर है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो देखो डोमेन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा इसका डोमेन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी या फिर आर। ये वाली बात समझ आई आपको। अच्छा इसकी रेंज निकाल लेते, देखो रेंज के लिए वही यूज करेंगे फॉर्मूला, रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स। पहले हम y1 निकालेंगे, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। अच्छा tan में भी अगर माइनस होता है अंदर तो माइनस कहां आ जाता है, बाहर। तो y1 आया माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी। tan इंफिनिटी कब होता है, पाई बाय टू पे। tan इंफिनिटी कब होता है हमारा, पाई बाय टू पे। तो ये y1 की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकाले हम, y2 की वैल्यू निकाले क्या। देखो y2 कैसे निकालेंगे हम, y2 is equals to tan inverse 1, वो tan inverse infinity, infinity कब होता है tan inverse, tan pi by 2 पे। देखो range क्या आ गई tan inverse x की, minus pi by 2 से pi by 2, और open bracket का मतलब है आपका minus pi by 2 और pi by 2 include नहीं है। तो देखो अभी हमने तीन इनवर्स फंक्शंस के क्या कैलकुलेट करी, डोमेन निकाला और उनकी रेंज निकाली। ऐसे ही बाकी तीन की आप खुद से ट्राई करेंगे डोमेन और रेंज, और फिर मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आप निकाल पा रहे हैं। हम ना जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अंदर हम सबकी क्या लिख लेंगे, डोमेन एंड रेंज। और जो डोमेन और रेंज है हमारी, ये कहां काम आएगी यानी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो डोमेन और रेंज लिख लेंगे देखो जल्दी से। तो मैं से पूछ लू भाई, फंक्शन कितने होते हैं हमारे पास, छह ही टाइप के होते हैं इनवर्स, उनका डोमेन और उनका रेंज, यही वाली बात लिखनी है ना हमें। देखो पहला फंक्शन कौन सा, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या था हमारा, माइनस वन से वन। रेंज क्या थी इसकी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। सेकेंड फंक्शन कौन सा हमारा, कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या था, माइनस वन से वन। और रेंज क्या थी इसकी, जीरो से पाई। थर्ड फंक्शन कौन सा हमारा इनवर्स का, टेन, टेन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या आई थी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। चौथा इनवर्स फंक्शन कौन सा, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है हमारा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, फिर वन से इंफिनिटी। इट मींस रियल नंबर एक्सक्लूडेड जीरो, क्या होता है इसका हमारा, रियल नंबर एक्सक्लूडेड जीरो। और इसकी रेंज क्या रहेगी हमारी, रेंज रहती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस जीरो, है ना, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जीरो। अच्छा अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हमारा इनवर्स का, सेक इनवर्स एक्स, इसका देखो जो डोमेन रहता है
वो रहता है हमारा सेम माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, ठीक। और इसकी जो रेंज रहती है वो रहती है हमारी जीरो से पाए एक्सेप्ट पाए बाय टू, जीरो से पाए एक्सेप्ट पाए बाय टू। और लास्ट जो हमारा इनवर्स फंक्शन है कौन सा है, कॉट इनवर्स एक्स। कौन सा फंक्शन है हमारा लास्ट, कॉट इनवर्स एक्स। इसका डोमेन रहता है रियल नंबर और रेंज रहती है जीरो से पाए, जिसमें कि जीरो और पाए इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो ये डोमेन और रेंज ना हमारे आगे काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में ना। तो बोर्ड जो होता है हमारा सीबीएसई का, उसमें भी एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें डोमेन या फिर रेंज का क्या होता है हमारा यूज, है ना। तो आज के लेक्चर में करेंगे इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई तो लाइक करके सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो। मैथ की सीरीज तो मैं बनाता ही रहूंगा, अगर आपको किसी और सीरीज भी चाहिए सब्जेक्ट की जैसे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।